जय हिंद दोस्तों। अखबार का 5 मिनट में सार, ये तो सुन ही ले यार। 29 सितंबर में आप सबका स्वागत। आज हम बात करेंगे पहले कल के सवाल की कि मदन लाल ढींगरा जी, जो बहुत ही अच्छे फ्रीडम फाइटर थे, रेवोल्यूशनरी थे, वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं सर? वो पंजाब से बिलोंग करते हैं, द ग्रेट स्टेट ऑफ आर ओन पंजाब, राइट? देन द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल, दिलवाड़ा भी लिखा जाता है कभी कभार इन्हें। दिलवाड़ा, दिलवाड़ा टेम्पल कौन सी स्टेट में लोकेटेड है सर? आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कश्मीर या हिमाचल प्रदेश, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। देन फैक्ट्स रेलेवेंट सर, आज जो भी दिल में मलाल है, किसी के लिए भी हेट्रेड है सर, किसी के लिए भी स्ट्रेस दे रहा है कोई आपको, उस हेट्रेड को निकाल दो और ह्यूमैनिटी को लव करो, बिकॉज आज वर्ल्ड हार्ट डे है और 40 और उससे ऊपर वाले व्यक्तियों को स्पेशल गाइडलाइन आई है कि आपको हर 6 महीने के अंदर अंदर, हर 6 महीने में बार बार अपने दिल की हेल्थ को चेक कराना ही कराना चाहिए। नहीं तो पता नहीं चलता है, कोई आजकल ट्रेडमिल पे भागता हुआ, बेचारे हमारे बहुत ही अच्छे शानदार कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी कि डेथ हार्ट अटैक से हुई है, कितनी सारी हो रही है। तो प्लीज अपने आप को चेकअप जरूर कराते रहें। देन ताइवान ने अनवेल करी है हाइकून। सर हाइकून क्या है? सबमरीन, पनडुब्बी है सर, पानी के अंदर चलेगी। चाइना पे अटैक करेंगे क्या या उनसे बचेंगे क्या, ये देखना होगा। देन सर जिल इंडिया, जिलैंडिया या जिल इंडिया, जैसे मर्जी बोलो, मैं तो जिल इंडिया बोलूंगा। जिलैंडिया ये न्यूजीलैंड के आसपास, न्यूजीलैंड जो है अपना ऑस्ट्रेलिया के साउथ में, वहां पे आसपास नीचे सबमर्ज कॉन्टिनेंट है, इसे 8th कॉन्टिनेंट बोला जा रहा है, बट 90% से ज्यादा ये ओशन के पानी के नीचे है। तो इसका एक मैप बनाया गया, रिफाइंड मैप, शायद इसे 8th कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड में शामिल भी करा जाए ऑफिशियली, और ये भी तो पॉसिबल है कि शायद ये बाहर आ जाए पानी से, क्या है पॉसिबल कि नहीं, टेल मी इन द कॉमेंट। देन इंडिया में पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम, मैप मेकिंग कार्टोग्राफी म्यूजियम मसूरी में इनॉग्रेट करा गया सर, लबसना के जाने के लिए। एक और अच्छी खबर, अब ये वाला म्यूजियम भी हम देखेंगे, लबसना की अच्छी राहें, लबसना की अच्छी जगह, वहां की फेमस छल्ली, सब कुछ आपको मिलेगा, एक बार मेहनत से पेपर कर लो। देन इंडियाज पावर डिमांड इज रीच्ड अ 5 ईयर हाई। सर पावर डिमांड को आपने देखा होगा, पावर डिमांड को इकोनॉमिक सर्वे ने कहा था कि अगर जीडीपी ग्रो करता है उसका एक इंडिकेटर पावर डिमांड तो है ही है। तो क्या मतलब है कि पावर डिमांड हाई हो रही है? मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, सबकी ग्रोथ हायर हो रही है और इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगा ही होगा। इसी करके सर प्लीज ध्यान रखना, इंडिया बहुत आगे जा रहा है, आप भी साथ साथ चलें। देन स्वामीनाथन जी की कॉइन की हुई टर्म एवरग्रीन रेवोल्यूशन आज न्यूज में थी, बिकॉज स्वामीनाथन जी कल हमारा साथ छोड़कर भगवान के पास चले गए, एज हमने कल बात करी थी। सो एवरग्रीन रेवोल्यूशन सर क्या है? इट इज प्रोडक्टिविटी दैट इज लॉन्ग लास्टिंग, सस्टेनेबल इंक्रीज, सस्टेनेबल इंक्रीज। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी तो बढ़ानी है, बट इकोलॉजी के नॉर्म्स को, इकोलॉजी को भी साथ लेके चलना है कि ये सदा हमारे साथ रह सके, ऐसा ना हो कि केमिकल्स यूज करके आप सॉयल को खत्म कर लो, प्रोडक्टिविटी बढ़ा लो, सॉयल को खत्म कर लो या कुछ और। सो एवरग्रीन प्रोडक्टिविटी, एवरग्रीन रेवोल्यूशन इज दैट द गेन्स लास्ट फॉर एवर, इकोलॉजी इन हार्मनी विद, हार्मनी विद एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, राइट? सो एवरग्रीन रेवोल्यूशन में जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, डेफिनेटली यूज करना इसे पेपर में। देन कीवर्ड सर, बहुत ही अच्छा एडिटोरियल एक श्री श्री रविशंकर जी ने लिखा आज एक्सप्रेस में मेरे ख्याल। सो उन्होंने कंक्लूजन में दिया है संगे शक्ति कलयुगे, संगे शक्ति कलयुगे, ये हमें एस्पिरेंट्स को, इंसानों को समझना है कि सर पावर सिर्फ इंडिपेंडेंस में नहीं है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंस नहीं है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस इंटरडिपेंडेंस है। एक कल्ला ब्रिसल, झाड़ू का ब्रिसल कल्ला कुछ नहीं कर सकता, पर बहुत सारे ब्रिसल अगर इकट्ठे हो जाएं तो वो सफाई कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम साथ रहें तो हम बहुत कुछ अच्छे से अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ आप सबको मैं साथ रहने का और यूनिटी में तरक्की करने का मैसेज देता हूं कि हम लोग सब साथ रहें, हिंदुस्तान को हम आगे बढ़ाएं। इसी के साथ आपका साथ,
हमेशा हमारे साथ रहे। जय हिंद।